दोस्तों मैं राजेश वर्मा काम बोलेगा चैनल से। हम इस वीडियो में बात करेंगे टेबल फैन में कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, हमें समझ में नहीं आती, कन्फ्यूजन से रहते हैं। मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो प्रॉब्लम क्या होती। देखिए, पंखा को चालू किया, पंखा अच्छे से चली, आधे घंटे पौन घंटे अच्छे से चली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अचानक से पंखा जो है चलना बंद हो जाता है। फिर हम सोचते हैं क्या इसकी तार में गड़बड़ी हो गई या कहीं कोई तार लूज हो गई। उस कंडीशंस में हम पूरी पंखे की एक एक वायर को चेक कर लेते हैं, लेकिन वायर कहीं से कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, ना ही कोई तार टूटा होता है, ना ही कोई तार जला होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी पंखा चलते चलते बंद हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, समझिएगा मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से। चलिए, क्या होती है प्रॉब्लम। उस कंडीशंस में बिजली की प्लग से पंखा को अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद उसकी मोटर को हाथ से छू कर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि खाना उस मोटर में ही पक जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ही जो मोटर है वो बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नेट पावर नहीं बनती है, करेंट तो जाती है मगर मोटर घुमा नहीं पाता है। जब फिर देखते हैं आधे से पौन घंटे मोटर को बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर से चालू करते हैं फिर से, तो जो टेबल फैन है फिर से वैसी चलती है, एक घंटा डेढ़ घंटा फिर बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इस मोटर के वाइंडिंग की कारण आती है। कई बार वाइंडिंग काफ़ी पुरानी हो जाती है या फिर मोटर कहीं ना कहीं से जाम होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण से ही जो है मोटर बंद हो जाती है। इस कंडीशंस में क्या करनी है, सिंपल पंखे को घुमाकर देखनी है, बंद कंडीशंस में पंखा कहीं जाम है तो ये समझ लीजिएगा कि जाम के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन पंखा जाम नहीं है, बिल्कुल फ्री घूम रही है, तो इतना समझ जाइएगा कि मोटर की प्रॉब्लम है। उस कंडीशंस में हमें टेबल फैन हो या किसी भी मोटर का फैन हो उसको मोटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन सी वीडियो थी, जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे हम नई वीडियो में, काम जरूर बोलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।